एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं बच्चों, है ना, इस टॉपिक के क्वेश्चन है। तो आपको ये देखना है क्या इन दोनों एंगल का सम 90 है। बिल्कुल है बच्चों, 90 देखिए आप कैसे ऐड कर लीजिए, 90 हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि हम जो है कॉम्प्लीमेंट रूल लगा सकते हैं, या तो आप इस वाले एंगल को इसमें चेंज करो या इस वाले को इसमें। तो आप लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि 90 माइनस 18 बच्चों 72 ही होता है। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आप इसे लिख पाएंगे ऐसे, साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री, कैंसिल कर दीजिए, 1 आ गया, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स जो हैं ऐसे ही होंगे। थर्ड पार्ट देखें, ये दोनों एंगल बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कैसे, इन दोनों का सम देखिए 90 है, तो हम जो है कॉम्प्लीमेंट रूल लगा सकते हैं। तो आप इसे ऐसे लिख पाएंगे, या तो इस एंगल को इसमें चेंज करो या इस वाले को इसमें चेंज करो। तो ऐसा करते हैं, इसे चेंज करते हैं, तो कॉस 48 डिग्री साइन 90 माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं। भाई हमें इस 42 डिग्री को चेंज करना है ना, तो आप इसे 90 माइनस 48 भी लिख सकते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी यही वाला एंगल आ जाएगा, लेकिन बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉस 48, और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 48 डिग्री, इधर कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका आंसर। फोर्थ पार्ट बच्चों, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आप इस वाले को थर्ड पार्ट की तरह कर सकते हैं, ये हो जाएगा।